आज़ादी है पाकिस्तान के नाम से आज हमने रखी है, और दिन भी 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और बहुत सारी कुर्बानियाँ और बहुत सारे मेहनत, जिसमें बहुत से उस वक़्त के जो लीडर थे, जो बहुत बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपना अपना किरदार इस आज़ादी में अदा किया, आज हम उन सब लोगों को खराज तहसीन पेश करेंगे। और आज यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से आज हम सब दोस्त हांगकांग में बैठ के उस आज़ादी का इजहार करेंगे। और उसके लिए आज एक दो दोस्तों ने फ़ोन किया कि आज 73 यौम आज़ादी है या 74 है, 73 है, क्योंकि आज 73 साल मुकम्मल हुए हैं और 74 शुरू हो गए। और बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ जो है वो चल रही है कि कोई कहता है नहीं नहीं 74 होना चाहिए क्योंकि आज 74 शुरू हो गया है, 73 कंप्लीट हो गया। ये आज बहस नहीं, आज से 5-7 साल पहले हर साल तकरीबन कुछ ग्रुपों में ये बात शेयर होती है। तो मुझे भी एक दो दोस्तों ने कॉल की, तो मैंने उनको ये कहा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो जिंदा और कायम रहेगा। आप 74 नहीं, आप ये 75 समझ के भले आप इसको मनाएं सही, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जब तक ये दुनिया कायम है इंशाल्लाह रहेगा। आज उसी हवाले से ये छोटा सा मुशायरा भी होगा, और कामरान भाई हमेशा उनकी ख्वाहिश होती है कि ऐसे जो दिन हैं पाकिस्तान के हवाले से या मुसलमानों के हवाले से जो भी हो वो उस पर हमेशा से आगे होते हैं और अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि दोस्तों को बुलाया जाए उस पर, जो भी उस दिन की मुनासिबत से हम जैसे भी उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं वो ज़रूर करें। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कामरान भाई आपका और आप सब साथियों का, दोस्तों का, यहाँ पे तशरीफ़ लाने का, अपना टाइम निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके लिए मेरा ख्याल है ताहिर भाई की भी ख्वाहिश थी कि एक छोटा सा मुशायरा हो जाए आज के दिन के हवाले से, तो उसके लिए हमारे शोरा हजरात भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब बाकायदा उसका आगाज़ करते हैं, मैं एक दफ़ा फिर आप सब दोस्तों का, भाइयों का और सागर साहब का, जनाब कामरान भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका भी दो शेर जो मुझे बहुत पसंद है इस वतन के हवाले से वो पेश कर रहा हूँ कि जख्मों से बदन गुलजार सही पर उनके शिकस्ता तीर गिनो, जख्मों से बदन गुलजार सही पर उनके शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी। और हम सैलंगार सही लेकिन क्यों अहले हवस ये भूल गए, हम सैलंगार सही लेकिन क्यों अहले हवस ये भूल गए, ये अर्ज़े वतन तो है जान अपनी और जान तो सबको प्यारी है। ये अहमद अदीम कासमी साहब का कलाम सबने सुना हुआ है, लेकिन चूँकि ये दुआ भी है और बहुत खूबसूरत कलाम है, यही मैं पेश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अपना कलाम है नहीं इस मौजू पे, कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसल गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल न हो, घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं, घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं के पत्थरों से भी रोईदगी महाल न हो, खुदा करे के नखम हो सरे वकारे वतन, खुदा करे कि न खम हो सरे वकार वतन और इसके हुस्न को तश्वीश माहो साल न हो, हर एक फर्द हो तहजीब औजो फन का कमाल, हर एक फर्द हो
तहजीब औजो फन का कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो जिंदगी वबाल ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। बहुत शुक्रिया। दूसरा इश्क करूं कैसे मैं नाकामी पर, कोई तामीर लहद पर भी लहद करता है। वाह वाह। दूसरा इश्क करूं कैसे मैं नाकामी पर, कोई तामीर लहद पर भी लहद करता है। चलो एक शेर आपको भी सुना दे के, एक दरिया को गरांखों में छुपा कर रखा, एक दरिया को गरांखों में छुपा कर रखा, जख्म को मैंने समुंदर के बराबर रखा, और उसने यूं रोक लिया सच्ची गवाही से मुझे, उसने यूं रोक लिया सच्ची गवाही से मुझे, मेरे बच्चे की रगे जान पे खंजर रखा। उसने यूं रोक लिया सच्ची गवाही से मुझे, मेरे बेटे के मेरे बच्चे की रगे जान पे खंजर रखा। और ये मोहब्बत का तरीका भी अजब है मेरा, ये मोहब्बत का तरीका भी अजब है मेरा, मैंने पर काट के हर प्यारा कबूतर रखा। ये मोहब्बत का तरीका भी अजब है मेरा, मैंने पर काट के हर प्यारा कबूतर रखा, और फूल भेजे हैं कुछ एहसास दिलाने को उसे, फूल भेजे हैं कुछ एहसास दिलाने को उसे, जिसने रस्ते में मेरे एक भी पत्थर रखा। माशाल्लाह। फूल भेजे हैं कुछ एहसास दिलाने को उसे, जिसने रस्ते में मेरे एक भी पत्थर रखा। और जब किसी ने न सुनी मेरी कहानी लोगो, जब किसी ने न सुनी मेरी कहानी लोगो, मैंने तब दिल का धुआं शेर के अंदर रखा। शेर के अंदर। माशाल्लाह। मेहरबानी। वो एक वक्त के कौम एक मुल्क मांगती थी, ये एक वक्त के मुल्क के कौम मांगता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा। वो एक वक्त के कौम एक मुल्क मांगती, बहुत अच्छा। ये एक वक्त के मुल्क के कौम मांगता है। बहुत अच्छा। गलत फहमी है दुनिया की कि पाकिस्तान सस्ता है। गलत फहमी है दुनिया की के पाकिस्तान सस्ता है, यहाँ हर चीज महंगी है बस एक इंसान सस्ता है। गलत फहमी है दुनिया की के पाकिस्तान सस्ता है, यहाँ हर चीज महंगी है बस एक इंसान सस्ता है। और बहार आएगी सुए चमन कभी ना कभी, बहार आएगी सुए चमन कभी ना कभी, महक उठेगी ये अर्ज़े वतन कभी ना कभी। बाहर आएगी सुए चमन कभी न कभी, महक उठेगी ये अर्ज़े वतन कभी न कभी, और मिसाले लश्करे इब्ने अली हमें सागर, मिसाले लश्करे इब्ने अली हमें सागर, सरों पे बांधने होंगे कफन कभी न कभी। नहार मुँह किसी करबल की आंख खुलती है, ज़मीने पाक पे मक्तल की आंख खुलती है, और मिट सकी है न मिटेगी कभी सरकार की धूप, मिट सकी है न मिटेगी कभी सरकार की धूप, अब होती है कहाँ दिरहमों दीनार की धूप, मिट सकी है न मिटेगी कभी सरकार की धूप, खत्म होती है कहाँ दिरहमों दीनार की धूप, और क्या खबर कितने धमाकों से शिकम भरता है, क्या क्या खबर कितने धमाकों से शिकम भरता है, एक दो लाशों से मिटती नहीं अखबार की धूप, क्या खबर कितने धमाकों से शिकम भरता है, एक दो लाशों से मिटती नहीं अखबार की धूप,
और कटी हुई हैं जबानें, कलम बिके हुए कटी हुई है जबानें, कलम बिके हुए हैं, उठाएं खाक हम आवाज, हम बिके हुए हैं। कटी हुई हैं जबानें, कलम बिके हुए हैं, उठाएं खाक हम आवाज, हम बिके हुए हैं। और बिके हुए हैं कहीं ना कहीं किसी हद तक, बिके हुए हैं कहीं ना कहीं किसी हद तक, कोई ज्यादा बिके कोई कम बिके हुए, कोई ज्यादा बिके कोई कम बिके हुए हैं। और किसी सवाल किसी मसले का हल ही नहीं, किसी सवाल किसी मसले का हल ही नहीं, ये हुक्मराने वतन एकदम बिके हुए, किसी सवाल किसी मसले का हल ही नहीं। गुजारिश करनी है कि पाकिस्तान को वैसे नहीं बन गया, और फिर बना किस दिन वो भी याद रखना है। आप जानते हैं कि 27 रमजान को बना जी, इसको खास मकसद तो होगा। आज तक पाकिस्तान की जो तारीख है वो बता रही है कि हर मुश्किल वक्त में उसको सहारा देने के लिए अल्लाह ने किसी न किसी का इंतजाम कर लिया और करता रहेगा, और ये क़यामत तक कायम रहेगा। इसलिए भी कि हम अगर से हम सच्चे नहीं हैं, झूठे हैं, हमने अल्लाह से वादा किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कहाँ तक पूरा किया हमने। इसके बावजूद अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम इसे इसकी खिदमत करें। सारे खड़े हो गए, शुक्रिया ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਸਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ।
तो कहते हैं मीर साहब के दोस्त भी साथ थे, नाई ने कहा कि क्या बात है आपका फलाना शेर जो है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मीर साहब ने कहा बहुत शुक्रिया, बादशाह कटवाए घर घर दीवार निकालना शेर।